इरफान खान और आज मैं आपको पीयर क्वांटिटी सर्वे की क्लास नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे आरसीसी कंक्रीट के बारे में कि आरसीसी कंक्रीट की क्वांटिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। आरसीसी का जो एब्रिविएशन है वो है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आरसीसी का जो पूरा एब्रिविएशन है वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। दिस इज ए कंक्रीट विद सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट विद रीइंफोर्समेंट। वो कंक्रीट जिसमें सीमेंट, रेत और क्रश और उसके साथ सरिया इस्तेमाल हो जाए उसको हम आरसीसी कहते हैं। ठीक है, पीसीसी में सरिया यूज नहीं होता, रीइंफोर्समेंट कहते हैं सरिये को, और आरसीसी में सरिया इस्तेमाल होता है, लाजमी है। ठीक है, जनरली द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज एज M15। M का मतलब है मिक्स 15, ये ग्रेड है कंक्रीट के, और M15 को हम 1-2-4 भी कहते हैं। ठीक है, रेशो में 1-2-4 है और ग्रेड में ये M15 है। वेयर वन बैग ऑफ सीमेंट, टू बैग्स ऑफ सैंड, फोर बैग्स ऑफ एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 1-2-4 कंक्रीट है, तो 1-2-4 में हम 1 बैग सीमेंट डालेंगे, 2 बैग्स रेत और 4 बैग्स एग्रीगेट्स यूज करेंगे। अब हमारे साथ एक आम तौर पर आरसीसी की जो कंक्रीट होती है वो 1-2-4 रेशो में ज़्यादातर यूज होता है। 1-2-4 में एक जो है ये सीमेंट है, 2 हिस्से रेत और 4 हिस्सा एग्रीगेट्स है। ठीक है, पैंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आरसीसी 1-2-4। फर्ज कीजिए हमारे साथ ये एक स्लैब है जिसकी लेंथ है 16 फीट, इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फुट है और थिकनेस स्लैब की जो है वो 6 इंच है मोटाई। ठीक है, तो इसको हम इसकी क्वांटिटी फाइंड करते हैं। ये स्लैब चाहे अभी से मतलब प्रीकास्ट हुआ हो चुका, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेंथ जो हमारी है वो फुटों में ही, इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय वेट वो भी फुट में है, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मोटाई वो भी आपने फुट में लेना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा इसकी क्वांटिटी CFT, और ये हमारे साथ होगी, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ साथ, ये वेट वॉल्यूम हमारे साथ इसका वो आएगा। ठीक है, तो लेंथ हमारे साथ जो है स्लेब की वो 16 फीट है, 16 फीट मल्टीप्लाई बाय वेट जो उसकी है चौड़ाई या ब्रेथ वो 14 फीट है, एंड थिकनेस उसकी जो है वो 6 इंच है, तो 0.540 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इंच किस तरह आया, 0.5 फीट, 6 इंच को आप जब तकसीम करेंगे 12 पे तो इससे आपके साथ आ जाएगा 0.5 फीट। ठीक है, यानी एक फुट में 12 इंच होते तो 6 इंच को हमने तकसीम कन्वर्ट किया फुटों में, तो आप 6 इंच को तकसीम कर देंगे 12 पे तो ये फुट में आपके साथ जवाब आया इसका। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप इन तीनों को ज़रब दे दें, 16 ज़रब 14 ज़रब 0.5। ठीक है, 112 आ गया, 112 जो हमारे साथ है ये वेट वॉल्यूम है। ठीक है, या आप यहाँ पर वेट क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने वेट वॉल्यूम कन्वर्ट टू ड्राई वॉल्यूम, तो आपने 1.54 से इसको ज़रब देना है, 1.54 फैक्टर में। ये मैंने आपको भी समझाया भी था, 1.54 फैक्टर नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे साथ है 112 को, ये हमारे साथ वेट क्वांटिटी है, आप इसको ज़रब दे दें 1.54 से,
तो आपके साथ जवाब आ जाएगा इसकी ड्राई क्वांटिटी में 112 मल्टीप्लाई बाय 1.54, तो 172.5 आपके साथ ड्राई क्वांटिटी आपके साथ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने क्या करना पड़ता है, रेशो लिखना पड़ता है। रेशो आपके साथ क्या है, वो हमारे साथ है 1:2:4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करने है, सम ऑफ रेशो करने। सम ऑफ रेशो मतलब सारे उसको रेशो को जमा करने, 1+2+4, वही तरीके पीसीसी वाला। ठीक है, तो इसके साथ आ जाएगा 7। अब आपने क्या करने है, सबसे पहले आपने पॉइंट करना है सीमेंट। सीमेंट को पॉइंट करने के लिए आपने करना है रेशो ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय ड्राई क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। ये तरीका भी है, तो इसके साथ आपके साथ वो जो जवाब आएगा वो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आएगा। ठीक है, बैग्स में नहीं आएगा, सिर्फ वॉल्यूम। फिर इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1.25 पे, तो ये फिर आपके साथ सीमेंट बैग्स में जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो 1.25 की ये किस तरह आते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, आप सीमेंट को इस तरीके से भी पॉइंट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ड्राई क्वांटिटी दो तरीक़ों से आप इसको पॉइंट कर सकते हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। आप सिंपली ये भी ले सकते हैं डिवाइड बाय 1.25, तो ये भी आपके साथ डायरेक्ट जवाब आएगा इसका, सीमेंट बैग्स। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर कर भी ये वन पहला मेथड है और ये सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं जो फर्स्ट मेथड मैंने किया इस पे मैं सीमेंट मालूम करता हूँ, तो आप लिखे यहाँ पर सीमेंट क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आप देखें रेशो ऑफ सीमेंट आपके साथ कितनी है, 1 है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1 मल्टीप्लाई बाय ड्राई क्वांटिटी कितनी है, तो ड्राई क्वांटिटी आपके साथ जो है वो 172.5 है। ठीक है, उसको डिवाइड करें फिर सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आपके साथ 7 है, तो आप देखें कैलकुलेटर ले ले इसकी कैलकुलेशन करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 172 1 मल्टीप्लाई बाय 172.5 और डिवाइड करें इसको 7 पे। सॉरी कैलकुलेशन सही नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 172.5 और फिर इसको हम तकसीम कर देंगे 7 पे, तो ये देखिए 24.64। हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 24.64 या आप इसको 25 CFT लिख दें। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया सीमेंट का। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो ये आपके साथ सीमेंट बैग्स में इसका जवाब आ जाएगा। इसको आप तकसीम करें 25 तकसीम में 1.25, तो ये देखिए 20 बैग्स आपके इसमें सीमेंट बैग लगेंगे। ठीक है, यानी ये जो स्लैब हम करने वाले छत, तो इसमें 20 बोरी सीमेंट लगेगा। और इसके अलावा आप इस तरीके से भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या है, आप लिखे इज इक्वल टू ड्राई क्वांटिटी आपके साथ जो है वो 172.5 है, तकसीम में सम ऑफ रेशो 7 है, डिवाइड बाय 1.25, तो ये देखिए ये भी वही जवाब आएगा इसके साथ। ठीक है, देखिए 172.5 तकसीम में सम ऑफ रेशो तो वो 7 है, और उसको फिर डिवाइड करें 1.25 से। ठीक है, तो ये देखिए 19.71 यानी 20 बैग्स वो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने 25, यहाँ पर 24.64 आ रहा था तो वो हमने 25 लिया था, इसलिए उस हिसाब से बैग्स भी ज़्यादा आ गया, तो ये 19.71 सेज 20 बैग्स इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके सेम है, एक ही जैसा कैलकुलेशन होगा और एक ही जैसा आंसर इससे आएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है क्वांटिटी ऑफ सैंड आर पैन एग्रीगेट। पैन एग्रीगेट इसका इंजीनियरिंग नेम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है रेशो ऑफ सैंड, ठीक है, मल्टीप्लाई करने ड्राई क्वांटिटी, डिवाइड करने सम ऑफ रेशो, ठीक है। तो ये आपके साथ आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ सैंड या वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है। तो यहां पर आप देखें क्वांटिटी ऑफ सैंड, रेशो ऑफ सैंड आपके साथ जो है वो देखिए आप टू है, एक सीमेंट है, दो रेत है, चार क्रश है। तो रेशो ऑफ सैंड आपके साथ हो गई टू मल्टीप्लाई बाई ड्राई क्वांटिटी आपके साथ जो है वो 172.5 है, 172.5 डिवाइड बाय, और इसके अलावा सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आपके साथ 7 है, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी कैलकुलेशन करें आप 2 मल्टीप्लाई बाय 172.5 और इसको तकसीम करें 7 पे, तो ये देखिए आपके साथ 49.28 यानी 49.28 CFT सेंट इस्तेमाल होगी क्वांटिटी ये सेंट के आगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसको सैकड़ा में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको डिवाइड करें 100 पे, तो ये आपके साथ आ जाएगा 0.49 या आप इसको 0.5 लिख दें यानी हाफ सैकड़ा इसमें जो है ना वो रेत इस्तेमाल होगा इस छत में, ठीक है, हाफ सैकड़ा। इसके अलावा अगर आपने क्वांटिटी ऑफ क्रश की निकालनी है, क्रश बजरी कोर्स एग्रीगेट तीनों नाम आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने रेशो ऑफ क्रश की लेनी है, मल्टीप्लाई करने ड्राई क्वांटिटी से, ठीक है, और डिवाइड करने सम ऑफ रेशो से। आप देखें ये आपके साथ आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ क्रश। आप यहां पर क्वांटिटी की जगह वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब देखिए आप रेशो आपके साथ कितनी है, वो है 4 है, ठीक है, 1, 2, 4 में 4 क्रश हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 172.5 हमारे साथ ड्राई क्वांटिटी है और इसको डिवाइड करें सम ऑफ रेशो जो है वो 7 है इज इक्वल टू, तो आप देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 172.5 डिवाइड बाय 7, तो आप देखें 98.5 CFT क्रश इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको सैकड़ा में कन्वर्ट करते तो तकसीम में 100 कर दें, तो ये आपके साथ आ जाएगा सेज, आप इसको कहे 1 सैकड़ा, पूरा 1 सैकड़ा इस्तेमाल होगा, ठीक है। और दूसरा आप ये अमल, ये भी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इस तरह डायरेक्ट क्रश को मालूम करते हैं, तो जो रेत से जो क्वांटिटी आती है उसको आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करें, तो उससे यही जवाब वापस आएगा, जिस तरह 0.5 + 0.5 1 सैकड़ा हो गया, ठीक है, 49.28 + 49.28 98.5 आएगा, ठीक है, यानी जिस तरह रेशो में 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो रेत का क्वांटिटी आता है आप उसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके साथ क्रश का जवाब वो आ जाएगा, ठीक है। और आप देखें कि आपकी जो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर आपको कोई कहे कि मसलन आपके साथ यहाँ पर एक क्वांटिटी आ गई 20 या 18 CFT, ठीक है, 18 CFT जो है ये हमारे साथ सेंड आ गया। अब आप किसी को समझाना चाहते हैं कि 18 CFT आपने क्यूबिक फुट आपने रेत लेकर आने, उसको पता नहीं है कि 18 क्यूबिक फुट अभी क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब कोई आम बंदा आपसे पूछे कि 18 क्यूबिक फुट, आपने उसकी के लिए क्वांटिटी निकाल दी, फॉर एग्जांपल फर्श में या प्लेस्टर में किसी भी चीज़ में मेंटेनेंस में, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि 18 CFT आपने रेत लेकर आने, क्योंकि वो बंदा तो 18 CFT जानता भी नहीं है। आपने उसको रेडियो के हिसाब से बताने, तो रेडी जो होती है
वन व्हील बारो, हम हाथ की रेडी जो होती है उसको व्हील बारो इंग्लिश में कहते हैं। वन व्हील बारो इज इक्वल टू 2.5 क्यूबिक फुट, एक हाथ की जो रेडी होती है वो 2.5 सीएफटी के बराबर होती है, ठीक है। तो आपने क्या करने, आपने 18 डिवाइड करने 2.5 से, तो आप देखें आपके साथ जवाब इसका आ जाएगा। इसको 18 डिवाइड बाय 2.5, तो ये देखिए ये 7.2 यानी 7 व्हील बारो आपकी इस्तेमाल होगी। यानी आप किसी कोई, आपको कोई कहे के कोई मेरे लिए क्वांटिटी निकाल दे, आपने क्वांटिटी पॉइंट कर दी, प्लास्टर है या फर्श है या मेंटेनेंस का कोई काम है, थोड़ा सा आपने उसको कहा कि इस पे इतना रेत लगेगा, कितना भाई 18 सीएफटी। अब 18 सीएफटी आप उसको कैसे समझाओगे कि 18 सीएफटी क्या है, 18 सीएफटी तो आम बंदा नहीं समझता, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने उसको सिंपली इस तरह बताने, 18 को आपने 2.5 पे तकसीम कर देने और उसको बताने सिंपली कि आपके इस पे 7 रेडी सेंड लगेगा, ठीक है। 2.5 जो है ये हमारे इंजीनियरिंग मेथड से, और अगर आप देहाती तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हम रेडी को रेत या क्रश डालते तो आपने देखा होगा कि हम उसको इतना भर देते कि ऊपर से उसका पूरा एक डोम सा बन जाता है, ठीक है। तो वो फिर तीन, आपने यहाँ पे 3 सीएफटी आपने फिर लेने अगर उस तरीके से करने, और अगर आपने रेडी की स्टैंडर्ड तरीके से करने तो फिर 2.5 इस तरह की व्हील, जो व्हील बार होते वो बिल्कुल आपने प्लेन करके उसको रेड डाल के उसको प्लेन करके आपने उस हिसाब से आते। यहाँ पर पिछले पीसीसी में मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप 2 रेडी रेड डालेंगे, 4 रेडी क्रश डालते फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपने 1 रेडी अभी सीमेंट भी डालना होगा। अब हमारे देहात में आपने देखे होंगे वो 1 बोरी रेड सीमेंट डालते, 2 रेडी जो है वो रेड डाल देते और 4 रेडी क्रश डाल देते, जो कि गलत तरीका है। 2 बैग्स सीमेंट होंगे, 2 रेडी रेत होगा और 4 रेडी क्रश इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक बैग्स की जो क्वांटिटी होती है वॉल्यूम वो 1.25 होती है, एक सीमेंट बैग्स की वॉल्यूम 1.25 है। तो यहाँ पर आप देखें 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इससे आपके साथ जवाब आएगा 2.5, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2.5 वाला अमल करते हैं, क्योंकि हमारे साथ रेडी की जो वो वॉल्यूम है वो 2.5 है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1.25 के बारे में बताऊंगा कि 1.25 किस तरीके से हमारे साथ आते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है।